नमस्कार श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी कहानी पारस। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पारस। मजुमदारों का वंश उच्च वंश है। गांव में उनका बड़ा भारी मान सम्मान है। बड़े भाई गुरुचरण इस घर के कर्ता धर्ता हैं। केवल घर के ही क्यों, उन्हें अगर सारे गांव का कर्ता धर्ता कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। गांव में बड़े आदमी तो और भी थे, लेकिन इतनी श्रद्धा भक्ति का पात्र श्रीकुंजपुर में उनके अतिरिक्त और कोई न था। अपने जीवन में उन्होंने कोई बड़ी नौकरी नहीं की। अगर गांव छोड़कर बाहर जाते तो उनके लिए बड़ी नौकरी मिलना कठिन नहीं था। जवानी के आरंभ में एक बार पास के जिला स्कूल की मास्टरी के काम में घुसे तो फिर किसी भी लोभ में आकर उस विद्यालय की ममता तोड़कर दूसरी जगह जाने को राजी नहीं हुए। यहां उनका वेतन 30 से बढ़ते बढ़ते 50 हो गया था और अब उनका आधा 25 रुपए पेंशन पाते हैं। 3 वर्ष हुए वो रिटायर हो गए हैं। संसार में आज तक धन का अभाव उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। अगर ऐसा ना होता तो झगड़े मिटाने, मामले के फैसले करने, दलबंदी की गुत्थियों को सुलझाने में उन्हीं का आदेश श्रीकुंजपुर में सर्वमान्य न होता। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्र की दृढ़ता और अविचलित उदारता तथा सज्जनता के सामने सभी लोग सम्मान सहित सिर झुकाते हैं। आयु 60 के लगभग होगी। यदि कोई व्यक्ति चरित्र, सज्जनता या धार्मिकता प्रदर्शित करता तो आसपास के 10-20 मनचले लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। ओफो, तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम पड़ते हो। गुरुचरण की पत्नी नहीं थी, केवल एक लड़का था, विमल। संसार में वास्तव में अद्भुत कहलाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, वरना इतने महान और सर्वगुण संपन्न पिता के घर संपूर्ण दोषों से संपन्न ऐसा पुत्र कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र के साथ पिता का सांसारिक बंधन न होने के बराबर था। उनका सारा स्नेह और बंधन अपने भतीजे पारस तक सीमित होकर रह गया था। छोटे भाई हरिचरण का बड़ा बेटा पारस ही मानो उनका अपना बेटा था। पारस MA पास करके कानून पढ़ रहा है। उसे वर्ण परिचय की पहली पोथी से लेकर आज तक सब कुछ वही पढ़ाते आ रहे हैं। उनका यह दुख कि विमल ने कुछ भी नहीं पढ़ा, पारस से मिट गया। छोटा भाई हरिचरण बरसों से परदेश में मामूली सी नौकरी कर रहा था। अचानक लड़ाई के बाद जाने वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया और नौकरी छोड़कर घर चला आया। लोगों को ऊंचे ब्याज पर रुपए देने लगा। पत्नी के नाम से एक बगीचा खरीद डाला और भी ऐसे न जाने क्या क्या काम करने लगा। इससे उसके रुपयों की गंध 5-7 गांव के लोगों की नाक तक पहुंचने में देर नहीं लगी। एक दिन हरिचरण ने आकर बड़ी विनम्रता से कहा, भैया बहुत दिनों से मैं एक बात कहने की सोच रहा हूं। गुरुचरण ने कहा, अच्छी बात है, कहो। हरिचरण बगले झांकते हुए बोला, आप अकेले अब और कितना कर सकेंगे, उम्र भी काफी हो गई है। गुरुचरण ने कहा, सो तो है ही, 60वां चल रहा है। हरिचरण ने कहा, इसी से कह रहा था, मैं तो वहां घर ही रहूंगा, जमीन जायदाद अस्त व्यस्त पड़ी है, जरा निशान लगा लूं घर में अगर। गुरुचरण ने पल भर अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखा, फिर बोले, जमीन जायदाद तो अपनी थोड़ी सी ही है और अस्त व्यस्त भी नहीं है, लेकिन क्या तुम अलग होने की बात कर रहे हो? हरिचरण ने शर्म के मारे दांतों तले जीभ दबाकर कहा, जी नहीं, जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा। केवल जो कुछ अपने पास है उसमें जरा सा निशान लगा देना है, और रसोई वसोई भी बड़ी झंझट की चीज है। सब कुछ इकट्ठा ही रहेगा, बस दाल भात अलग अलग कर लिया जाए। आप समझ रहे हैं ना? गुरुचरण ने कहा, समझा क्यों नहीं, समझता तो मैं हूं ही। अच्छी बात है, कल से ऐसा ही होगा। हरिचरण ने पूछा, निशान आप कैसे लगाएंगे, कुछ निश्चय किया है? गुरुचरण ने कहा, निश्चय करने की तो अब तक कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आज आवश्यकता आ पड़ी है तो तीनों भाइयों के 3 हिस्से बराबर बराबर बांट देने से काम चल जाएगा।
हरिचरण ने आश्चर्य से कहा, तीन हिस्से कैसे? मजली बहू तो विधवा है, बाल बच्चा भी कोई नहीं है, फिर उनका हिस्सा कैसा? दो हिस्से होंगे। गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तीन हिस्से होंगे। मजली बहू मेरे श्यामाचरण की विधवा है, जब तक जीवित रहेगी अपना हिस्सा तो पाएगी ही। हरिचरण नाराज हो उठा, बोला, कानून से तो नहीं पा सकती, केवल खाने पहनने को ले सकती है। गुरुचरण ने कहा, सो तो ले ही सकती है, क्योंकि घर की बहू ठहरी। हरिचरण ने पूछा, मान लीजिए कल को अगर बेच देना चाहे या गिरवी रख देना चाहे तो? गुरुचरण ने कहा, कानून से अगर ऐसा अधिकार प्राप्त होगा तो करेगी। हरिचरण का चेहरा स्याह पड़ गया, बोला, करेगी क्यों नहीं। दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथ में लेकर घर भर में नाप जोख करने लगा। गुरुचरण ने ना तो कुछ पूछा और ना ही बाधा डाली। दो तीन दिन बाद ईंटें, लकड़ी और बालू चूना सुर्खी भी आ गई। घर की पुरानी मेहरी ने आकर सूचना दी, कल से राज मजूर लग जाएंगे, छोटे बाबू की दीवार खड़ी होगी। गुरुचरण ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रहा हूं, कहने की क्या आवश्यकता है। पांच छह दिन बाद एक शाम को दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनकर गुरुचरण ने मुंह उठाया, पूछा, क्या बात है पंचू की मां? पंचू की मां बहुत दिनों की पुरानी मेहरी है। उसने इशारे से दिखाते हुए कहा, मजली बहू खड़ी है बड़े बाबू। बड़ी बहू की मृत्यु के बाद से विधवा मजली भाई की बहू ही इस गृहस्थी की मालकिन है। वो ओट में खड़ी होकर जेठ के साथ बोलती है। उन्होंने बड़ी मीठी आवाज में कहा, क्या ससुर के घर में मेरा कुछ भी अधिकार नहीं जो छोटी बहू मुझे दिन रात गालियां दिया करती हैं? गुरुचरण ने कहा, है क्यों नहीं बहू, जैसा उनका है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी अधिकार है। पंचू की मां ने कहा, लेकिन इस तरह करने से तो घर में ठिकाना कठिन है। गुरुचरण सब सुन रहे थे, पल भर चुप रहकर बोले, पारस को आने के लिए चिट्ठी लिख दी है पंचू की मां, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग जरा सहती रहो। मजली बहू ने दुविधा भरे स्वर में कहा, लेकिन पारस क्या? गुरुचरण ने रोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मजली बहू, मेरे पारस के संबंध में लेकिन नहीं चल सकता। हरि उसका बाप जरूर है, लेकिन वो बेटा मेरा ही है। सारी दुनिया एक और हो जाए तब भी वो मेरा ही रहेगा। उसके ताऊ जी कभी अन्याय नहीं करते। ये बात अगर वो ना समझ सके तो समझ लो मैंने बेकार ही इतने दिनों तक पराए लड़के को छाती से लगाकर इंसान बनाया। दासी ने कहा, इसमें क्या कहना है, उस साल माता निकली थी तब तुम्हारे सिवा उसे यमराज के मुंह से कौन छीन सकता था बड़े बाबू? तब कहां थे छोटे बाबू और कहां थी उसकी सौतेली मां? डर के मारे कोई उसके पास तक नहीं फटकता था, तब अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन। मजली बहू ने कहा, पारस की मां जिंदा होती तो शायद उससे भी इतना करते ना बनता। गुरुचरण संकोच में पड़ गए, बोले, रहने दो बेटी ये सब बातें। उसके चले जाने के बाद वृद्ध गुरुचरण की आंखों के सामने जैसे विमल और पारस दोनों पास पास आ खड़े हुए। खिड़की के बाहर अंधेरे आकाश की ओर देखकर उनके मुंह से दीर्घ निश्वास निकल गया। फिर वो बांस की मोटी लाठी लेकर सरकारों के बैठक खाने में शतरंज खेलने चले गए। दूसरे दिन दोपहर को गुरुचरण खाना खाने बैठे थे। मकान के उत्तर की ओर बरामदे का कुछ हिस्सा घेर कर हरिचरण की रसोई घर का काम चल रहा था। वहां से तीखे नारी कंठ से ऐसी ऐसी कड़वी बातें निकलकर आ रही थी जिनकी कोई सीमा नहीं। उनके भोजन करने में विघ्न पड़ रहा था, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसमें एक पुरुष के भारी गले की आवाज आ मिली तो उनके कान खड़े हो गए और वो एकदम उठ खड़े हुए। मजली बहू आड़ में से हाय हाय कर उठी और पंचू की मां ने क्रोध और क्षोभ से चीख कर इस दुर्घटना को प्रकट कर दिया। आंगन में खड़े होकर गुरुचरण ने भाई को पुकार कर कहा, हरिचरण, औरतों की बात पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन तुम पुरुष होकर अब बड़ी विधवा भाभी का इस तरह अपमान करोगे तो वो इस घर में नहीं टिक पाएगी। इस बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब वो घर से निकल गए तो रास्ते में उन्हें छोटी बहू के परिचित कंठ की तीखी आवाज सुनाई दी। वो मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, इस तरह का अपमान मत किया करो, कह देती हूं, नहीं तो मजली बहू घर में ही नहीं रहेगी, तब क्या होगा। हरिचरण उत्तर दे रहा था, संसार रसातल में डूब जाएगा और क्या होगा, कौन रहने के लिए सिर की सौगंध दिला रहा है।
चली जाए तो जान छूटे। गुरुचरण ठिठक कर खड़े हो गए। हेडमास्टर साहब की कन्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए गुरुचरण कृष्णनगर जा रहे थे कि तभी अचानक सुना पारस घर आ गया है और आते ही बुखार में पड़ गया है। वो घबराए हुए पारस के कमरे में घुस रहे थे कि सामने ही छोटे भाई को देखकर पूछ बैठे, पारस को बुखार आ गया है क्या? हरिचरण हूं कहकर चला गया। छोटी बहू की मैके की नौकरानी ने सामने आकर रास्ता रोक कर कहा, आप अंदर मत जाइए। ना जाऊं क्यों? अंदर बीबी जी बैठी हैं, उन्हें जरा हट जाने के लिए कह दे। नौकरानी बोली, हट कहां जाएंगी, लड़के के माथे को दबा रही हैं, कहकर वो अपने काम में चली गई। गुरुचरण हैरान से खड़े रहे जैसे कोई सपना देख रहे हों। फिर पारस को पुकार कर बोले, कैसी तबीयत है बेटा? अंदर से इस व्याकुलता और प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन नौकरानी ने कहीं से उत्तर दिया, भैया जी को बुखार है, सुन तो लिया है। गुरुचरण स्तब्ध होकर 2-3 मिनट तक वहां खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गए और किसी से बिना कोई बात किए सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। वहां विवाह की धूमधाम में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सारा कामकाज निबट गया तब उनके बहुत दिनों के मित्र हेडमास्टर साहब ने एकांत में ले जाकर उनसे पूछा, क्या बात है गुरुचरण, सुना है हरिचरण तुम्हारे पीछे पूरी तरह पड़ा है? गुरुचरण ने अनमने स्वर में कहा, हरिचरण? नहीं तो? नहीं तो क्या, हरिचरण की शैतानी का हाल तो सभी लोग सुन चुके हैं। गुरुचरण को सहसा सारी बात याद आ गई, बोले, हां जमीन जायदाद के बारे में कुछ गड़बड़ कर रहा है। उनके बात करने के अंदाज से मास्टर साहब को प्रसन्नता नहीं हुई। फिर भी गुरुचरण अपने घर की भीतरी बात को छिपाना चाहते हैं, ये सोचकर उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। कृष्णनगर से घर आकर गुरुचरण ने देखा कि उनकी इन कई दिनों की अनुपस्थिति में हरिचरण ने मौका पाकर आंगन में जगह जगह गड्ढे खोद खोद कर ऐसा हाल कर दिया है कि कहीं पांव रखने की भी जगह नहीं रही। वो समझ गए कि हरिचरण अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार घर का बंटवारा करके बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। उसके पास रुपया है, इसलिए किसी और से पूछताछ करने की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने कमरे में आकर कपड़े बदल रहे थे कि तभी मझली बहू को साथ लिए पंचू की माँ आ खड़ी हुई। वो समाचार पूछना ही चाहते थे कि अचानक पंचू की माँ बिलख बिलख कर रो पड़ी और रोते रोते उसने बताया कि परसों सवेरे छोटे बाबू ने मझली बहू जी को गर्दन पकड़कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। अगर उस समय मैं यहां ना होती तो शायद मार मार कर अधमरा कर डालते। गुरुचरण को घटना को पूरी तरह समझने में अधिक देर न लगी, फिर भी मिट्टी के पुतले की तरह बिना हिले डुले चुपचाप खड़े रहे। फिर सहसा पूछ बैठे, बहू रानी, क्या सचमुच ही हरिचरण ने तुम्हारी देह को हाथ लगाया था? लगा सका वो? उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कहा, जान पड़ता है तब शायद पारस खाट पर पड़ा होगा। पंचू की मां ने कहा, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था बड़े बाबू, अभी आज ही तो वो सवेरे ही गाड़ी से कलकत्ता गए हैं। कुछ नहीं हुआ था तो क्या वो अपने बाप की करतूत जान कर गया है? पंचू की मां ने कहा, हां सभी कुछ। गुरुचरण के पैरों तले से धरती खिसक गई, बोले, बहुरानी, इतने बड़े अपराध का दंड अगर उसे ना मिले तो इस घर से मेरा रहना उठ गया समझ लो। चलो अभी समय है, मैं गाड़ी लिए आता हूं, तुम्हें अदालत चलकर नालिश करनी होगी। अदालत जाकर नालिश करने के नाम से मझली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरण ने कहा, घर गृहस्थी की बहू बेटियों के लिए ये काम सम्मानजनक नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इतना भयंकर और घोर अपमान चुपचाप सह लोगी बेटी तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, इससे अधिक मैं और नहीं जानता। मझली बहू हिम्मत से उठ खड़ी हुई, बोली, आप पिता समान हैं, मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं बिना किसी संकोच के उसका पालन करूंगी। हरिचरण के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया। गुरुचरण ने अपनी पुराने जमाने की जंजीर बेचकर बड़े वकील की भारी फीस चुकाई। निश्चित दिन मामले की सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण कोर्ट में हाजिर हुआ, लेकिन वादिनी दिखाई ही नहीं दी। वकील ने न जाने क्या क्या कहा और सुना। हाकिम ने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़ में गुरुचरण की निगाह अचानक पड़ी पारस पर। वो मुंह फेर कर मंद मंद मुस्कुराकर हंस रहा था।
गुरुचरण ने घर आकर सुना कि मैके से किसी की जबरदस्त बीमारी का समाचार पाकर मजली बहू बिना नहाए धोए यूं ही गाड़ी बुलवाकर चली गई है। पंचू की मां हाथ पैर धोने के लिए पानी देने आई और सहसा रोते हुए कहने लगी, रात भी झूठी दिन भी झूठा, तुम और कहीं चले जाओ बड़े बाबू, इस पापी संसार में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। ढोल आए, नगाड़े आए, मजीरे आए, मुकदमा जीत जाने की खुशी में हरिचरण के घर शुभ चंडी की पूजा के ऐसे बाजे बजे कि सारा गांव उथल पुथल हो गया। दो भागों में बंटकर पैतृक मकान के एक हिस्से में रहा हरिचरण का परिवार और दूसरे में रहे गुरुचरण और उनकी बहुत दिनों की पुरानी दासी पंचू की मां। दूसरे दिन सवेरे पंचू की मां ने आकर कहा, रसोई का सारा सामान जुटा दिया है बड़े बाबू। रसोई का? ओ हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं आया। कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ने दीजिए, बल्कि तब तक आप गंगा स्नान कराइए। अच्छी बात है, जाता हूँ। कहकर गुरुचरण जल्दी से गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए। उनके काम या बात करने में कहीं कुछ भी असंगति नहीं थी, फिर भी पंचू की मां को न जाने कैसा बुरा महसूस हुआ। उसके मन में बार बार यही विचार उठने लगा, जैसे बड़े बाबू अब पहले जैसे नहीं रहे। पंचू की मां अंदर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कभी भला नहीं होगा, हरगिज भला नहीं होगा, इसका दंड भगवान अवश्य ही देंगे। किसका भला ना होगा और किसे भगवान दंड देंगे, ठीक समझ में नहीं आया। लेकिन उस दिन छोटे बाबू की ओर से इस बात को लेकर झगड़ा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतने लगे। गुरुचरण का एकमात्र पुत्र विमलचंद्र सुपुत्र नहीं, वो इस बात को भली भांति जानते थे। लगभग एक महीना पहले कुछ बातों के लिए वो एक दिन घर आया था, उसके बाद उसके दर्शन नहीं हुए। उस बार वो एक बैग में छिपाकर ना जाने क्या क्या रख गया था। उसके चले जाने पर गुरुचरण ने पारस को बुलाकर कहा, देख तो बेटा क्या है इसमें। पारस ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा था, कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज हों, इन्हें जला दूं ताऊ जी। गुरुचरण ने कहा था, अगर जरूरी हुए तो। पारस ने कहा था, जरूरी तो है ही, लेकिन विमल भैया को शायद जरूरी नहीं, मुसीबत को जरूरत क्या है घर में रखने की। गुरुचरण ने आपत्ति की थी, बिना जाने नष्ट नहीं करना चाहिए पारस, किसी का सत्यानाश भी हो सकता है, इन्हें तू कहीं छिपा कर रख दे बेटा, पीछे देखा जाएगा। इस घटना की उन्हें याद नहीं थी। आज सुबह गंगा स्नान से लौटकर रसोई बनाने जा रहे थे कि अचानक बैग लिए पारस, हरिचरण, गांव के अन्य भद्र लोग और पुलिस आ गई। घटना संक्षेप में यह है कि विमल डकैती का अपराधी है और इस समय फरार है। अखबार में खबर पढ़कर पारस ने पुलिस को सारी बात बता दी है, बैग अभी तक उसी के पास था। विमल खराब लड़का है, शराब पीता है और अनेक असामाजिक दोष हैं। कलकत्ता में रहकर मामूली सी नौकरी करते हुए वो ये सारे काम करता है, लेकिन वो डाका भी डाल सकता है, इस बात का संदेह पिता के स्वप्न में भी पैदा नहीं हुआ था। कुछ पल वो एकटक पारस की ओर देखते रहे, उसके बाद उनकी बुझी बुझी आंखों की कोरों से झर झर आंसू बरसने लगे। बोले, सब सच है, पारस ने एक भी बात झूठ नहीं कही। दारोगा ने और भी दो चार बातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने सहसा झुककर गुरुचरण के पांव छुए और कहा, आप उम्र में बहुत बड़े हैं और ब्राह्मण हैं, मेरे अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा, इतने भारी दुख का काम मैंने पहले कभी नहीं किया। कई महीने बीत जाने पर खबर आई कि विमल को 7 वर्ष की कैद की सजा हो गई है। फिर ढोल, नगाड़े और मजीरे बजाकर समारोह सहित शुभ चंडी की पूजा की तैयारी होने लगी। पारस ने कहा, बाबूजी ये सब रहने दो। क्यों? पारस ने कहा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बाप ने कहा, अच्छी बात है, बर्दाश्त ना कर सको तो जाओ कलकत्ता घूम फिर कर आज का दिन बिताओ, जगन माता की पूजा है, धर्म कर्म में बाधा मत डालो। कहना ना होगा, धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं पड़ी। लगभग 10-11 दिन बाद एक दिन सवेरे गुरुचरण के घर की ओर से अचानक हो हल्ला और चीख पुकार सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद रोती हुई ग्वाली ना खड़ी हुई, उसकी नाक से खून बह रहा था। हरिचरण ने घबराहट के साथ पूछा, खून कैसे बह रहा है मोक्षदा, बात क्या है?
रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ गए। मोक्षदा ने कहा, दूध में पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बाबू ने लात मारकर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। हरिचरण ने कहा, किसने, हट। पारस ने कहा, ताऊ जी ने, झूठ बोलती है। छोटी बहू ने कहा, जेठ जी औरत की देह को हाथ लगाएंगे, तू क्या सपना देख रही है दूध वाली। उसने अपनी देह पर लगी कीच मिट्टी दिखाते हुए देवी देवताओं की सौगंध खाकर कहा कि ये बात सच है। कोर्ट के मिले स्टे ऑर्डर की कृपा से दीवार का उठना तो रुक गया था, लेकिन आंगन में गड्ढे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, मुंदे नहीं गए थे। गुरुचरण के लात मारने से उन्हीं में से एक गड्ढे में गिर जाने पर चोट आ गई थी। हरिचरण ने कहा, चल मेरे साथ नालिश कर दे। पत्नी ने कहा, कैसी असंभव बात करते हो तुम, जेठ जी औरत की देह पर हाथ लगाएंगे, झूठी बात है। हरिचरण ने कहा, झूठी होगी तो हार जाएगी ना, लेकिन भैया के मुंह से झूठ कभी नहीं निकल सकता, मारा होगा तो सजा हो जाएगी। पत्नी की समझ में आ गया, बोली, है तो ठीक, ले जाओ नालिश करवा दो, ठीक है सजा हो जाएगी। हुआ भी यही, भैया के मुंह से झूठ नहीं निकला, अदालत के न्याय से उन पर 10 रुपये जुर्माना हो गया। अब की बार शुभ चंडी की पूजा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन देखा गया कि कुछ लड़के झुंड बांधकर गुरुचरण के पीछे शोर मचाते और बकते हुए चले जा रहे हैं। ग्वालिन के मारने का गीत भी इतने में बन गया है। रात के लगभग 8 बजे होंगे, हरिचरण की बैठक बनी हुई है। गांव के बड़े बूढ़े और सम्मानित लोग आजकल यहीं आने लगे हैं। अचानक एक आदमी ने आकर एक बहुत ही मजेदार खबर सुनाई। लोहारों के लड़कों ने विश्वकर्मा पूजा के उत्सव में कलकत्ते से 2 खेमटा नाचने वाली वेश्याएं बुलाई हैं। गुरुचरण उन्हीं की नाच की महफिल में बैठे हैं। हरिचरण हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बोले, पागल है पागल, इसकी बात सुनो, भैया खेमटा नाच देख रहे हैं, किस चंडू खाने से आ रहे हो अविनाश। अविनाश ने सौगंध खाकर कहा, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। एक आदमी दौड़ा गया सच्ची खबर लाने के लिए। 10-1 मिनट बाद वो लौट कर आया और बोला कि हाँ बात बिल्कुल सच्ची है, और वो केवल नाच ही नहीं देख रहे बल्कि रुमाल में रुपए बांधकर उन्हें न्योछावर भी दे रहे हैं। बस फिर क्या था, एक जोरदार शोर उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा, एक दिन ऐसा होगा, ये तो जानी हुई बात थी। कोई कहने लगा, जिस निर्दोष स्त्री की देह पर हाथ लगाया था हम उसी दिन समझ गए थे। एक लड़के ने डकैती की चर्चा करते हुए कहा, इसी से बाप के चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह की न जाने कितनी ही बातें होने लगी। आज कुछ बोला नहीं तो केवल एक हरिचरण। वो अनमना सा होकर चुपचाप बैठा रहा। उसे न जाने क्यों आज अपने बचपन की याद आने लगी। क्या यही उसके भैया हैं, यही हैं गुरुचरण मजुमदार। रात के लगभग 2-2.5 बजे होंगे, लेकिन नाच समाप्त होने में अभी भी देर है। विश्वकर्मा की पूजा शीघ्र ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी जूनी काकी अब भी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर मांस खाकर वेश्याओं को नचाकर दक्ष यज्ञ के रूप में पूरा कर रहे थे। अधिकांश लोग अपने होश हवास गंवा बैठे थे, और उन्हीं के बीच बैठे मुस्कुरा रहे थे वृद्ध गुरुचरण। इतने में चादर से मुंह ढके हुए कोई वहां आया और उसने धीरे से पीठ पर हाथ रखा। वो चौंक पड़े, बोले, कौन। उसने कहा, मैं हूं पारस। ताऊ जी घर चलिए। गुरुचरण ने कोई भी आपत्ति नहीं की, बोले, घर चलो। उत्सव मंच की मध्यम सी रोशनी रास्ते पर आ पड़ी थी। वहां पहुंचकर पारस एक तक ताऊ जी के चेहरे की ओर देखता रहा। आंखों में वो ज्योति नहीं थी, चेहरे पर वो तेज भी नहीं। ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल गया है। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखें देख पाई कि लोगों के आगे लज्जित होने योग्य कोई भी चीज ताऊ जी में शेष नहीं रही है। इस अर्ध जीवित देह को छोड़कर वो कहीं और चले गए हैं। उसने कहा, आपकी काशी जाने की बहुत इच्छा थी ताऊ जी, चलिएगा। गुरुचरण कंगाल की तरह बोल उठे, जाऊंगा पारस जाऊंगा, लेकिन कौन ले जाएगा मुझे। पारस ने कहा, मैं ले जाऊंगा ताऊ जी। तो चल एक बार घर चलकर जरूरी वस्तुएं ले आए। पारस ने कहा, नहीं ताऊ जी, उस घर में नहीं जाना है, वहां का अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें।
गुरुचरण की जैसे अचानक चेतना लौट आई। क्षण भर चुप रहकर बोल उठे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस घर का अब हम कुछ नहीं चाहते। पारस ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं ताऊ जी, कुछ नहीं चाहिए। उन चीजों को लेने वाले और भी बहुत हैं वहां। चलिए। ठीक है, चलो, कहकर गुरुचरण ने पारस का हाथ थाम लिया और निर्जन अंधकार भरे रास्ते से दोनों रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी कहानी पारस। ये कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली कहानियां समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।